सभी आए पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। एरर ऑफ माइंड्स, एरर कंप्यूटर का एक शब्द है, कंप्यूटर लैंग्वेज है एरर। तो हमारे माइंड में कई एरर्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। और वो जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक आदमी चला आता है और वो बहुत टेढ़ा सा खड़ा होता है, जहाँ टांगों पर टांग खड़ी है, इस पोजीशन में खड़े हैं, तो वो सब हमारे एरर हैं माइंड में। तो वही डेवलप होते हैं कि जो हम हिंदू मुस्लिम और एक ब्लैक एंड वाइट या फिर कोई एक रेस के पीछे लग के हम अपने आप को जो है वो बिगाड़ लेते हैं। तो एरर ऑफ माइंड मैंने एक छोटी सी कोशिश की है उस पर शॉर्ट फिल्म बनाने की। ये 9 मिनट की एक साइलेंट फिल्म, ये फिल्म बहुत पहले इसका सफर मैं बताता हूँ कि 2 साल पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया। तो मुझे पहले लगा कि यार ये टॉयलेट के ऊपर ऐसा फिल्म बनानी, कोई लोग बोलते हैं कि यार टॉयलेट पे बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे कुछ बातें याद आती हैं कि हमारे बहुत विख्यात रहे हैं राइटर शहादत हसन मंटोरी, उन्होंने कहा कि जो ऐसी सोच रखते हैं वो गंदगी में ही होते हैं, कीड़ा हमेशा गंदगी में होता है। तो ये कहानी चाहे टॉयलेट की है, लेकिन एक जो आम आदमी है उसको डिस्टर्ब भी करती है पैरेलली। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, जिसमें हमारे मुख्य किरदार हैं उसके यतन कारीकर जी, जिन्होंने बहुत बखूबी उसको निभाया है, जो कि काफ़ी पहले अच्छे मतलब उन्होंने मुन्ना भाई MBBS और बहुत बहुत सारी फिल्में की हैं उन्होंने, और उनका मराठी का बहुत बड़ा योगदान है मराठी इंडस्ट्री में। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो क्योंकि अभी इस टाइम पे वो बिजी हैं कोल्हापुर में शूट में, तो एक बॉयज़ नाम की फिल्म है उसके सेकंड पार्ट में शूट में बिजी हैं। ये फिल्म को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मेरी एक सेकंड फिल्म है शॉर्ट फिल्म। फर्स्ट मेरी एक बरक्स फिल्म थी, वो शहादत हसन मंटो जी की कहानी के ऊपर थी, उनके शाहसिये पे थी, जिसको कनाडा से बेस्ट राइटिंग का अवार्ड भी मिला था। और अब ये जो फिल्म है इसको 3 जगह पे इसको बेस्ट का अवार्ड मिला है, और अराउंड 9 फेस्टिवल्स में ये ऑफिशियल सिलेक्शन हुई है, और अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, जिसमें से 3 तो विनर हो चुके हैं, और होपफुली कि हमें बाकी के 6 भी हमें कुछ हासिल हो। अभी 9 तारीख को गोवा में फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें मेरी जो ये फर्स्ट जो ओपनिंग हो रही है वो मेरी पहली फिल्म बरक्स से हो रही है, और क्लोजिंग हो रही है एरर ऑफ माइंड से हो रही है। ये मेरे लिए बहुत ही एक गर्व वाली बात है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही इतना ही हमारा मकसद था कि हम अपने को जो शॉर्ट फिल्म्स पंजाब में बहुत सारी बन रही हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी भी बना रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रही, जहाँ उनको पता नहीं है, जहाँ वो अप्रोच नहीं करते हैं उसको प्रॉपरली। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक मिले, मैं बहुत ही जल्दी एक फेस्टिवल भी अरेंज करने जा रहा हूँ कि जो फिल्म फेस्टिवल सिर्फ कंपटीशन ना हो, बल्कि जैसे आप लोग और हम लोग इकट्ठे हैं, हम एक डेस्क पे इकट्ठे हैं, तो आपकी फिल्म है, आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे आइए, वहाँ पे कुछ नए इन्वेस्टर्स भी होंगे जिनको ये तलाश में होंगे जो कि यार हम एक जो रेगुलर कॉमेडी या फिर रेगुलर सिनेमा जो चल रहा है उससे हटके, ली से हटके फिल्में बनाने वाले कुछ नए फिल्म मेकर्स के साथ हम मिलके कुछ अच्छा बनाएं, तो वो लोग भी वहाँ पे आएं और अपना अपना शाहकार जो भी आपने बनाया वो दिखाएं वहाँ पे फेस्टिवल में, और वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग करें और एक दूसरे को अपनी स्टोरी जो है पिच करें, और वो इन फ्यूचर में वो अच्छा एक सिनेमे को जो हेल्दी सिनेमा है उसको एक जन्म दे सकते हैं। तो एरर ऑफ माइंड जब हमारी ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है लास वेगास में, उसमें विनर हुई है, बेस्ट शॉर्ट नरेटिव फिल्म्स आई है, उसका ये
सर्टिफिकेट प्रमाण भी लाए हुए साथ में। तो हाँ जी सर, ये है जी। तो इस फेस्टिवल के बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच भी किया है कि हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहते हैं। शॉर्ट फिल्म्स जो लोग बनाते हैं उनकी एक बहुत गलत धारणा है कि पॉकेट से पैसा लगाओ और बैठ जाओ, या फिर यूट्यूब पैसा देता है। हम यूट्यूब से इतना पैसा इससे कमा नहीं सकते हैं, बहुत रेयर केस है कि इसके उतनी इनकम होती है। मैं सच बताऊँ तो मेरी इंटरनेशनली जो है इंडिया से दो फिल्में गई थी जिसमें हमारी विनर हुई है, तो मुझे ये गर्व भी है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सिनेमा जो भी शॉर्ट फिल्म्स जो बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स को आप एक बिजनेस के तौर पे लो, उसको इस तरीके से लें कि उसको इस बिजनेस भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल में वर्ल्ड वाइड में जिसमें इसके ऊपर इनाम भी होता है, जैसे कबड्डी के इनाम होते हैं 20,000-15,000 ऐसे। अभी गोवा में फेस्टिवल है उसका फर्स्ट इनाम 20,000 है, फिर 15,000 ऐसे कुछ इनाम से। तो जो नया फिल्म मेकर है उसको अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलता है, और बहुत आसान भी तरीका है और एक अच्छा तरीका है और हेल्दी फुल तरीका है। तो उसी के रिजल्ट में मेरे साथ अभी फ्यूचर में मेरे साथ जुड़े हैं जरनैल सिंह जी हैं, ये हम लोग मिल के शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं इन फ्यूचर। मेरे साथ दामिनी जी हैं दिशा एंटरटेनमेंट, और मेरे साथ हैं जगदेव जी। तो हम लोग मिल के एक जो है शॉर्ट फिल्म्स जो है इन फ्यूचर बना रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल मुद्दों पे ही फिल्में होंगी हमारी। जैसे मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हमारा है वो आई वॉन्ट टू बी ए टेररिस्ट, मेरी कहानी है जो 22 मिनट की है, वो हम शॉर्ट फिल्म करने वाले हैं। एंड एक और है जो इंडो पाक रिलेशन के ऊपर है, वो मिशन परफॉर्मेंस हम वो करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई हेल्दी सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, और मैं मीडिया के माध्यम से अगर आवाज़ बजती है वहाँ तक पहुँचे, तो मैं फिल्म मेकर्स को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे टॉपिक चुनिए कि जो इंटरनेशनल हों और वो रेवरेंस हो हर किसी के, हर किसी जॉनर पे। कि अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं या ब्लैक एंड वाइट की बात करते हैं, जैसे मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की है, तो ये ब्लैक एंड वाइट पे भी ये लागू होती है, बहुत सारे धर्मों पे होती है। तो कुछ ऐसा टॉपिक चुने क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट उसी को है। तो इसलिए सब जो फिल्म मेकर्स हैं उनको कोई भी जो विषय है उसके चयन करने से पहले सोचना चाहिए कि हमें एक इंटरनेशनल मार्केट में अगर उतरना है तो हमारी बात उनके तक सीधी पहुंचनी चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज का काम था कि एक शॉर्ट फिल्म होना, और वो भी एक साइलेंट फिल्म के थ्रू मैंने जो बताने की कोशिश की है, तो उससे वहाँ पे अप्रिसिएशन हुई है। तो उसके लिए मैं सबका, मैं अपनी टीम का थैंकफुल हूँ, मेरे साथ मेरे एसोसिएट हैं जगदेव जी, इन सबका थैंकफुल हूँ कि मेरी टीम जो है सब साथ मिलके इसको हमने सार्थक किया। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है शॉर्ट फिल्म के लिए कि आपको इस करेक्टर के लिए फलां बंदा ही चाहिए कि यही करेक्टर करना चाहिए। तो मेरे माइंड में यतिन करेकर जी मेरे माइंड में थे बहुत पहले से, क्योंकि पूना में मैं बहुत रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी काम किया है। तो मेरे यतिन करेकर जी मेरे थे, मतलब मेरी नज़र में थे, मैं कभी मिला नहीं था। लेकिन जैसे मैंने अप्रोच किया, फर्स्ट मीटिंग हुई, तो सबसे बड़ा काम जो था वो अटक गया था कि उनके बजट के ऊपर, कि बजट बहुत हैवी था उनका। इतना बजट था कि मतलब मेरी पूरी फिल्म का बजट उतना नहीं था जितना उनका बजट था। लेकिन मैंने, पता नहीं क्यों अंदर से कोई आवाज़ आएगी नहीं, बात तो करके देखते हैं। मैंने उनको यही बात बोली कि मैं सर, मैं आप ही के साथ फिल्म करूँगा, नहीं करूँगा नहीं, ये पक्की बात है, आप बताइए मुझे कि इस फिल्म में क्या करना है। तो मैंने जो उनको टर्म्स बोली, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली कि सर साइरस, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, आप जो बोलोगे जैसा करोगे, पैकेट बंद लिफाफे में मुझे पकड़ा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करोगे तो एक ही दिन में ना शूट। मैं कहा हाँ जी एक ही दिन में करूँगा। वो लेकिन मान के चले थे कि दो दिन का शूट होगा, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट विजन वगैरह की हुई थी सारा,
तो वो मैंने मतलब अराउंड 4 to 5 hours में टोटली कंप्लीट किया है फिल्म को। ये तो ये तो मतलब वो इन बजट होके हमने वो पूरा काम किया। जी सर, अच्छी बात की आपने। इनफैक्ट मैं सर इससे पहले मैं एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट्री करना चाहता था कि जो आपने देखा होगा फिल्म स्टार्ट होती है यतन कारेकर जी से, बाथरूम से स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले मैंने छोटे छोटे बंच दिए हैं 2-3, तो वो एक जो शॉर्ट फिल्म का एक पैरामीटर होता है, शॉर्ट फिल्म का एक एक फॉर्मेट होता है जिससे हम भटक जाते हैं, लेकिन उससे न भटकते हुए अगर 3 से 4 इवेंट हम 30 सेकंड तक के एंटरटेन कर देते हैं, नहीं गवर्नमेंट की कोई लिमिट नहीं सर, तो ये एक होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में वो हो चले जाती है। अच्छा। तो अगर हम उसको फिक्शन बनाने जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी कोई लिमिट नहीं होती है, शॉर्ट फिल्म अंडर 60 इज द शॉर्ट फिल्म, एंड 5 मिनट से नीचे जो भी फिल्म आती है वो माइक्रो फिल्म आ जाती है, माइक्रो शॉर्ट फिल्म। जी 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 नहीं नहीं बिल्कुल यस हाँ जी, काफ़ी कुछ सर काफ़ी कुछ मिसिंग है, मैं उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है आपको, क्योंकि मैं नहीं कर पाया, मैंने नहीं सच में उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इवेंट है। हाँ जी हाँ जी, नहीं बहुत कुछ है सर माइंड में तो हजारों सर। हाँ मैंने आज तक मैं अपना इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को कि मैं एज ए DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मैं करता हूँ काम सिनेमाटोग्राफर का। तो मेरा जो कैरियर था वो 91 में मैंने शुरू किया था, मैंने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न से मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था, उसके बाद मैंने स्पेशल अप्रिशिएशन फ्रॉम AFT अपना FTI पुणे से किया, और FTI पुणे से मुझे एक ये हुआ कि मेरा सर्कल बहुत अच्छा बना वहाँ पे, मैंने 27 फिल्में करीब 8-9 वहाँ पे सीरियल किए हैं, और मराठी 27 फिल्में, और अराउंड पंजाबी में मेरी मेरे ख्याल से 8 या 9वीं फिल्म मेरी हो चुकी है, जिसमें मिट्टी है, गेलो है, चन्ना सच्ची मुच्ची है, निधि सिंह है, VR बेली है, और अभी आने वाली हमारी फिल्म है दिसंबर में रिलीज है, परिंदे फिल्म है। तो ऐसे मैं एज ए DOP काम करता हूँ, लेकिन ये जो शॉर्ट फिल्म्स करने ये मैं सच बताऊँ तो ये मेरी रूह की खुराक है, मेरे दिल को सुकून मिलता है कि मैं एज ए डायरेक्टर करता हूँ, मैं मन मर्जी करता हूँ, इसमें पैसा कमा लिया, इसमें मन मर्जी है पैसा लगा के मैंने जी। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम कई टॉपिक ऐसे हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते फिल्म में, फिल्म एक अपने आप का एक अलग तरीके का माध्यम है जिसमें आपको एंटरटेन भी करना है और एक एक बजा बजाया पैरामीटर है। तो हिंदी फिल्म्स में है कि अभी नई कई फिल्म्स आई हैं जो पैरामीटर से हटके भी आई हैं, वो लोग बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स भी हैं, अच्छे फिल्म मेकर भी हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं, इवन पंजाबी में भी अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, करने भी चाहिए, मतलब हमारी भी यही कोशिश है, मेरी भी थोड़ा सा ऑफबीट फिल्म्स और थोड़े से डिफरेंट सब्जेक्ट्स करने की मेरी दिली ख्वाहिश रहती है कि मैं अगर DOP भी करूं तो उस वो सब्जेक्ट जो है थोड़ा डिफरेंट हो, कुछ सीखने को हो उसमें कुछ। हाँ मिट्टी फिल्म में मिक्का सिंह था, लखविंदर कंडोला जी से था, सरदार सिंह